अभी 3 मिनट टाइम बाकी है, क्या कहना चाहते हो? मेरे दिल में जो कुछ है वो बताने के लिए पूरी जिंदगी तो क्या, मुझे कई जिंदगियां कम पड़ जाएंगी धर्मिका। तो शादीशुदा हो? लेकिन मैं तो तुम्हें कई साल पहले मन से अपनी पत्नी मान चुका हूं धर्मिका। लेकिन समाज? समाज से डरने की जरूरत नहीं है धर्मिका। सच कहो ना, तुम समाज से डरती हो क्या? संतू, तुम सपना देख रहे हो क्या? तुम्हारी पोजीशन बदल गई पर तुम नहीं बदले। ये कौन है? ये मेरे पति हैं। एक्सक्यूज मी, हेलो। हाँ बोलो ना। ये फर्स्ट टाइम अपनी गर्लफ्रेंड से आई लव यू कहने जा रहे हैं। ऐसा बनाना कि वो एक बार में ही हाँ बोल दे। एक नई लड़की से मिलने के लिए एक नए रास्ते पर जा रहे हो और उसे मिलाने के लिए आपको मेरे जैसा एक दोस्त मिल गया। मैं आपको कॉलेज तक छोड़ देता हूँ और उन दोनों को एक दिन मिलना है ऐसा लिख भी दिया। ये लड़की अच्छी है, वो लड़की अच्छी है, ऐसा सोचते हुए फालतू में टाइम वेस्ट करके अपना सर फोड़ते रहते हैं। मैं उनसे कह के आई थी 3 घंटे मुझे डिस्टर्ब मत करना। कॉलेज में पागलों की तरह ये मेरे पीछे पड़ा था, उस फ्रेंड से मिलने जा रही हूँ। इन 3 घंटों में उन्होंने एक बार भी मुझे फोन करके डिस्टर्ब नहीं किया। कितने जेंटलमैन है ना, सही कहा ना? आई लव माई हस्बैंड। क्या हुआ यार, ऐसे क्यों घूर रहे हो? ओह, मेरे पति बहुत सिंपल है ना? मैं अपने पुराने प्रेमी से मिलने जा रही हूँ। ये सुनने के बाद भी उन्होंने मुझ पर बिल्कुल शक नहीं किया। उन्होंने मुझसे कोई सवाल तक नहीं किया, बल्कि मुझे खुद यहाँ ड्रॉप करके गए हैं। कितने अच्छे इंसान हैं, है ना? चाहे 7 जन्म हो या फिर 700 जन्म हो, तब भी मैं इनसे ही शादी करना चाहूंगी। आई लव हिम सो मच। संतू, कॉलेज डेज में रोज लेकर लव लव करके मेरे पीछे पड़े थे, लेकिन आज मैं खुद मिलने आई हूं। ए, अब कहां है वो रोज? आज मुझे रोज नहीं दोगे? एक रेड रोज का बुके देना भाई। लवर्स लो के लिए स्पेशल बनाया मैंने सर। किसे देंगे सर? अपनी लवर को। वो बहुत खुश हो जाएगी सर। सर चेंज रख लो।
एक लंबे अरसे के बाद मैं ये गुलाब का बुके तुम्हें देने जा रहा हूं। मैं हमेशा से प्यार के लिए भटकता रहा, लेकिन मुझे सच्चा प्यार कभी नहीं मिला। कभी किसी ने मेरे प्यार को कबूल नहीं किया। लेकिन गौरी, आज क्या तुम मुझे माफ करके मेरे इस प्यार को स्वीकार करोगी? हाँ, आई लव यू गौरी। गौरी, आई लव यू। I love you. I love you, Gauri. कॉफी लेकर आती हूं मैं। हेलो। हे, पागल कहीं के? रोजेस देकर अपनी बीवी को तुमने आखिर आई लव यू कह दिया ना? कैसे हो यार, सारे लड़के ऐसे ही होते हैं। पता है, मैंने सोचा कि तुम इतनी तेजी से निकले हो कि रोजेस तुम मेरे लिए लेकर आओगे, पर तुम तो सीधे घर चले गए। खैर, वो जाने दो। संतु, सच क्या है जानते हो? एक्चुअली हम दोनों की मुलाकात का रीजन तुम्हारी बीवी ही है। धर्मिका, धर्मिका। हाँ भाभी, धार्मिका नाम की लड़की से बहुत प्यार करता था वो। मुझे उसका नंबर देंगे आप? मेरे पति आपको हमेशा याद करते रहते हैं। भगवान के लिए सिर्फ एक बार उनसे मिल सकती हैं, प्लीज। ग्रेट वाइफ है यार। कोई भी पत्नी अपने पति को किसी पुरानी लवर से मिलने को कभी कहेगी क्या? वो अपनी खुशी से ज्यादा अपने पति की खुशी चाहती है। अगर मैं तुम्हारी जिंदगी में आऊं तो तुम हमेशा खुश रहोगे या नहीं, ये मैं नहीं जानती, लेकिन तुम्हें गौरी जैसी बीवी मिली है, तुमने जरूर कुछ पुण्य किया होगा। एनीवे संतु, ऑल द बेस्ट। सुनिए, कॉफी। आई लव यू कहने जा रहा हूं। आज मैं अपने प्यार को पाने के लिए उसे ये रिंग देने जा रहा हूं।